समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी के चिरगांव राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय चिरगांव में रोवर सैंड रेंजर्स में प्रतिभागिता एवं इसकी उपयोगिता पर छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए कार्यक्रम का आयोजन IQAC विभाग द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्काउट गाइड मंडल कमिश्नर प्रदीप कुमार गुप्ता ने छात्र छात्राओं को रोवर्स एंड रेंजर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं उससे होने वाले फायदे से छात्र छात्राओं को अवगत कराया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय प्रबंधक डॉक्टर वैभव गुप्ता ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। अंत में IQAC निदेशक डॉक्टर प्रीति जैन ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर न्यासी डॉक्टर अंजलि गुप्ता, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुनील भटनागर, डॉक्टर अशोक मुस्तरिया, संजीव कुमार, वीरेंद्र कुमार, शरद गुप्ता, सुनीता कृष्णा आदि उपस्थित रहे। अंत में IQAC निदेशक डॉक्टर प्रीति जैन ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया है। आज जो कार्यक्रम आपके विद्यालय में हुआ, क्या कुछ कार्यक्रम हुआ, इससे बच्चों को क्या कुछ प्रेरणा मिली? जो है स्काउट गाइड, इसके क्या आगे जाके बेनिफिट मिलते हैं, सर्विसेज में क्या बेनिफिट मिलते हैं, इनके पॉइंट्स मिलते हैं कि आपका कहीं पे अगर सिलेक्शन रुक रहा है तो आपके पास अगर इसके सर्टिफिकेट्स होते हैं AB और C, तो उसके पॉइंट्स आपके जुड़ के हो सकते हैं, आपका कहीं चूक रहा है तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। इसमें व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कैंप लगते हैं जहाँ पे पैराग्लाइडिंग, जैसे सर ने बताया पैराग्लाइडिंग ट्रैकिंग होती है, तो बच्चे वहाँ जाके एडवेंचर स्पोर्ट्स ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं और अपने बच्चों का विकास कर सकते हैं। और इसमें देश के लिए भी कुछ काम करना, नई चीज़ें सीखना। इससे पहले भी कोई बच्चे आपको जा चुके हैं स्काउट गाइड के कार्यक्रम में? इसमें पहले 2012 के आसपास बच्चे गए हैं, फिर इसके बाद कितनी योगी में कारणवश शायद अब कितने बच्चे जाने की क्षमता है, कितने बच्चे वहाँ पर जाएंगे उस वक्त भाग लेंगे? कार्यक्रम हो रहा है, आप बच्चों को जाना है, आप उन बच्चों के लिए क्या कुछ, जिसे जिन बच्चों के लिए व्यवस्थाएँ नहीं है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं कॉलेज की तरफ से जो आप वहाँ पहुँचाएंगे? आप देख रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम अकेडमी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी पूरी तरीके से बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा मानना है कि बच्चे अकेडमी के साथ साथ हर क्षेत्र में अपना पार्टिसिपेट करें, हर क्षेत्र में जाएं, इसीलिए हमने ये स्काउट गाइड का कैंप यहाँ आयोजन करवाया, सर को बुलाया झांसी से, जिससे बच्चे जब अवेयर होंगे सर तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी बच्चों के अंदर अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए हम आए दिन ऐसे प्रोग्राम स्कूल के अंदर कराते हैं, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो भी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, जैसे कि पिछले लास्ट टाइम बच्चे स्टेट खेल के आई थी, जो अनुष्का है हमारे यहाँ से, बच्ची स्टेट खेल के आई थी और काफ़ी बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल में रिजल्ट हुए थे। तो हमारा टारगेट ये है कि हर क्षेत्र में बच्चों को आगे लेके जाएं, इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने स्काउट गाइड का प्रोग्राम लॉन्च करवाया है और बच्चे बहुत उत्साहित हैं इन सब चीज़ को लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बात की जा रही है इसी क्रम में जानकारी देने के लिए अनुरोध करता हूँ। सर क्या कुछ जानकारी बच्चों को दी गई है और क्या उनमें बताया गया? स्काउट गाइड के बेनिफिट्स बच्चों को बताएं कि इस ग्रुप के बच्चे स्काउट गाइड से जुड़ते हैं ये बताया गया है। स्काउट गाइड में प्रगतिशील प्रशिक्षण क्या क्या है, बच्चे प्रवेश, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान करते हैं, राज्यपाल पुरस्कार, राष्ट्रपति पदक तक जाते हैं, ये जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों की प्रगतिशील प्रशिक्षण के साथ अध्यापकों के प्रशिक्षण की जानकारी दी। अभी हमारा एक प्रादेशिक प्रशिक्षण के सीतला के कलगुड़ा में जो स्थित है वहाँ पर एडवेंचर ट्रैकिंग कम नेचर स्टडी कैंप के बारे में जानकारी दी गई और ये उम्मीद करते हैं कि विद्यालय की तरफ से कुछ बच्चे या कुछ अध्यापकों का ग्रुप वहाँ इस समय प्रतिभाग। सर आपको भी देखिए सुनने में आया है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, इसको लेकर क्या कहेंगे? राज्यपाल पुरस्कार 2 बार मिला है स्टूडेंट एज में, लेकिन मुझे राष्ट्रपति पदक नहीं मिला। हाँ ये बात जरूर है कि जब से मैं झांसी में पुरस्कृत हुआ हूँ तब से लेकर झांसी के करीब 500 बच्चों को राष्ट्रपति पदक से हम सम्मानित करा चुके हैं। सर ऐसे प्रोग्राम इस विद्यालय में और भी पहले करा चुके हैं क्या आप?
लगभग 12 साल पहले मैं इसी महाविद्यालय में जो बीएड के प्रशिक्षणार्थी हैं उनको स्काउट गाइड के प्रशिक्षण के लिए 12, उसके बाद 12 के बाद मेरा स्थानांतरण चूँकि यहाँ से हो गया था, मैं 22 में फिर लौटा हूँ 10 साल बाद। अभी ये मेरा पहला अभी आप कहाँ पोस्ट करें? मैं झांसी मंडल देख रहा हूँ, झांसी में। इस आपके जो ये संस्थान है इससे किसी बच्चों को अभी तक क्या कुछ वैकेंसी उपलब्धि मिली है क्या अभी तक आपके जो स्टूडेंट हुए हैं? बहुत सारे बच्चे हैं इस समय जो राष्ट्रपति पदक प्राप्त करके अच्छी अच्छी जॉब्स में आ चुके हैं, रेलवे और सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय, इनमें अध्यापकों के पदों पर भी बच्चे जाते हैं। और साथ साथ जैसे NCC का ये सर्टिफिकेट, तो हमारे स्काउट गाइड का तृतीय सूत्र 5 नंबर दिलाता बच्चे की मेरिट के लिए, ऐसे ही NCC के बी सर्टिफिकेट के बराबर हमारा राज्यपाल पुरस्कार है, ऐसे NCC के सी सर्टिफिकेट के बराबर हमारा राष्ट्रपति पदक है। तो ये राष्ट्रपति पदक बच्चों को मिलता है, बच्चों के कैरियर के लिए। सर, विद्यापीठ के अलावा आपने महाविद्यालय भी ये प्रोग्राम NCC वाले कराए हैं क्या? मैं NCC से रिलेटेड मैं नहीं हूँ, मैं स्काउट गाइड से रिलेटेड हूँ। और मेरे अभी जो दूसरा चरण जी मेरा चल रहा है इसमें मैं पहली बार ही आया हूँ उस महाविद्यालय में, इसके पहले इस महाविद्यालय में कार्यक्रम नहीं हुआ आपके माध्यम से? स्काउट गाइड हो सकता मुझसे पहले जो यहाँ पदस्थ रहे हो उनके कार्यकाल में हुआ हो, उसकी जानकारी मुझे।